बॉलीवुड के दमदार और खूंखार विलन रहे अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, पर जिस तरह से इन्होंने अपने नेगेटिव किरदारों से अपना खौफ लोगों के दिलों में जमाया है, उसी के चलते इन्हें करोड़ों की दौलत शौहरत मिली है। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की धन दौलत के बारे में तो सब अच्छे से जानते हैं, पर क्या आप इनकी मृत्यु की कहानी जानते हैं कि इन्होंने जिंदा रहते कितनी संपत्ति कमाई और मरने के बाद वो सारी संपत्ति किसके नाम हुई? और इसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, पर पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने नाम का खौफ घर घर पैदा करने वाले अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था और वहीं से इनकी सारी पढ़ाई भी पूरी हुई थी। बात करें इनके अभिनय करियर की तो अभिनेता ने यूं तो मराठी थिएटर से साल 1979 में पहली बार एक्टिंग में हाथ जमाया था, लेकिन हिंदी जगत में ये साल 1983 में आई फिल्म अर्धसत्य में नजर आए थे और इसके बाद इन्हें जवानी फिल्म में काम करने का मौका मिला था। लेकिन इन्हें अपनी असली पहचान साल 1985 में आई फिल्म तेरी मेहरबानिया से मिली थी, क्योंकि इसमें इन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका इतनी खूबसूरती से अदा की थी कि इसके बाद इनके पीछे बड़े बड़े फिल्म निर्माता अपनी कई सारी फिल्मों के ऑफर लेकर आए थे और उन्हें स्वीकार करके इन्होंने तकरीबन 200 से भी ज्यादा फिल्में की थी और उन सभी फिल्मों में इनकी नकारात्मक भूमिका रही थी। और ये आखिरी बार हमें साल 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज में नजर आए थे। बता दें, इन्होंने 7 मराठी और 200 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम करके 90 से 95 करोड़ की संपत्ति कमा ली है, जिसकी बदौलत इन्होंने मुंबई में अपना एक आलिशान घर खरीदा है और 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक भी बन गए हैं। आपको बता दें कि इनका घर देखने में काफी शानदार है, जिसे इन्होंने अपनी पसंद की पुरानी चीजों के साथ डेकोरेट करवाया है और उसमें एक बड़ा सा शीशेदार किचन, गार्डन एरिया, स्टोर रूम, लिविंग रूम से लेकर बड़े बड़े रूम्स तक बने हैं। इसी के साथ जब ये जिंदा थे तो ये अपने नॉर्मल पैंट शर्ट से लेकर ब्रांडेड शूज, वॉच और भी कई सारी चीजों पर 2 से 3 लाख रुपए खर्च किया करते थे। इतना ही नहीं, ये रेंज रोवर और बुलेट जैसी लग्जूरियस गाड़ियों के भी मालिक हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इतनी धन दौलत कमाने के बाद अभिनेता को फेफड़ों से संबंधित गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज इन्होंने बड़े बड़े अस्पतालों में करवाया था, लेकिन तबीयत में कोई सुधार न आने की वजह से इनकी मृत्यु 3 नवंबर 2014 में हो गई थी। और जैसे ही ये बुरी खबर लोगों को मिली, वैसे ही दुनिया भर में शोक की लहर आ गई और सभी की आंखें नम हो गई थी। पर आज मरने के बाद इनकी सारी धन संपत्ति इनकी इकलौती बेटी रीमा अमरापुरकर के नाम कर दी गई है। तो दोस्तों, क्या आप अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की इन सच्चाइयों के बारे में पहले से जानते थे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।